गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम अपना फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तरल के गुण, तरल के कौन कौन से गुण होते हैं आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण होता है जो है तरल का, फ्लूइड का, वो होता है इसकी डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको हम घनत्व, या दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक मास। पहला गुण हो गया हमारे द्रव का ये। दूसरा आता है इसका स्पेसिफिक वेट। हिंदी में बोलेंगे इसे हम आपेक्षिक भार। दूसरा नाम है इसका वेट डेंसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। हिंदी में बोलेंगे इसे हम आपेक्षिक आयतन। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। हिंदी में बोलेंगे इसे हम आपेक्षिक गुरुत्व। नेक्स्ट आता है हमारा विस्कोसिटी, ये भी हमारा द्रव का गुण है विस्कोसिटी, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। नेक्स्ट है हमारा सरफेस टेंशन। हिंदी में बोलेंगे इसे हम पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट है हमारा इसमें कोहेशन। ससंजकता बोलते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारा एडेशन, ये हो गया हमारा असंजकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी कैपिलरिटी, जिसे बोलते हैं हम केशिकात्व। नंबर 10 है वेपर प्रेशर, इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी इसकी कंप्रेसिबिलिटी, जिसे बोलते हैं हम संपीड्यता। तो ये हमारी जो है क्या है, द्रव की जो है प्रॉपर्टी है। तो द्रव के बारे में हम पढ़ चुके हैं, द्रव क्या होते हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हमारे क्या हो सकता है, फ्लो कर सकता है। तो दो तरह के फ्लूइड होता है हमारे, एक लिक्विड हो गया, एक हो गया हमारा गैस। और हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके बारे में जो है हम एक एक करके जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं, डेंसिटी क्या होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं घनत्व। डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम हमारा मास डेंसिटी भी होता है इसका, या स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, इट इज द रेशियो ऑफ
ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, यह अनुपात होता है, किसका अनुपात होता है, किसी फ्लूइड का जो है द्रव्यमान और उसके आयतन का जो अनुपात होगा हमारा, उसे हम क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। अब चाहे फ्लूइड वो क्या हो, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, जैसे वाटर की डेंसिटी की बात करें तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको डिनोट करने का जो सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, इज रिप्रेजेंटेड बाई रो, ये इसका सिंबल। तो क्या हो गया इसका, अगर हम फॉर्मूले से देखें तो क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है हमारा, अनुपात। तो रो इज इक्वल टू, फॉर्मूला बन जाएगा मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हिंदी में क्या हो जाएगा, तरल का द्रव्यमान अपॉन तरल का आयतन। द्रव्यमान को हम दिखाते हैं, इसका सिंबल होता है एम और वॉल्यूम का सिंबल होता है वी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी। अब इसका मात्रक की बात करें अगर हम, तो इसका मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, अगर हम देखें हमारी तीन जो है मात्रक की जो है प्रणाली है, तीन पद्धति हैं, यूनिट सिस्टम जो है हमारा एनकेएस, सीजीएस और एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। एमकेएस में जो है हमारा मास की यूनिट क्या होती है हमारी, किलोग्राम, ठीक है। लेंथ की यूनिट होती है हमारी मीटर, जिसे हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सीजीएस में जो है मास की यूनिट क्या होगी हमारी, ग्राम। लेंथ की सेंटीमीटर। और टाइम की सेकेंड, ठीक। ऐसा ही में हमारी मास का क्या होगा, केजी होगा, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड। लेकिन वहाँ टाइम को हम किससे दिखाएंगे, खाली स्मॉल एस से दिखाएंगे। तो अगर मैं डेंसिटी की मात्रक की बात करूँ तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, एम अपॉन बी, मतलब एम हो गया हमारा मास, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। और वॉल्यूम आयतन होता है हमारा, आयतन की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो हमारा मात्रक हो गया घनत्व का, तो इसका मात्रक जो होगा, जिसे हम यूनिट बोलेंगे, वो हो जाएगा हमारा केजी पर मीटर क्यूब। ये हमारा किस में हो जाएगा, एमकेएस में। सीजीएस में अगर बात करें तो सीजीएस में हमारा हो जाएगा, सीजीएस में हमारी मास की यूनिट हो गई ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट हो गई सेंटीमीटर क्यूब। सीजीएस में हमारी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, जल का जो घनत्व होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर जल का घनत्व जल का घनत्व हम दिखाते हैं रो डब्ल्यू से, डेंसिटी ऑफ वाटर हो गया हमारा
एमकेएस में जो होता है हमारा जल का घनत्व, वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और सीजीएस में होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर होता है हमारा एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे ही हमारी मरकरी का, मरकरी भी हमारे क्या है, फ्लूड है। मरकरी की डेंसिटी अगर हम दिखाएंगे तो वो दिखाएंगे रो एच जी, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी। मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा। पारा, पारे का जो घनत्व होगा वो हो जाएगा हमारा रो एच जी इज इक्वल टू, वो होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें जो है यूनिट्स का इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा, मात्रक का, हमें मात्रक पता होने चाहिए। ठीक है, और यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए कि केजी को अगर ग्राम में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, ये सब हमें जो है आना चाहिए। तो यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं, अगर हमें 13600 kg पर मीटर क्यूब, ये किस में है हमारा, एमकेएस में है। तो अगर मात्रक को जो है सीजीएस में परिवर्तित करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, सीजीएस में क्या होगा, ग्राम आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखो चेंज करते हैं हम 13600, 1 kg मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए हमारे, 1000 ग्राम। तो हमने इसे चेंज कर दिया 1 किलोग्राम को ग्राम में, तो कितना हो गया 1000 ग्राम अपॉन मीटर क्यूब। मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है तो 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर, और क्यूब है तो 100 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किस में चेंज हो गया हमारा, सीजीएस में चेंज हो गया। सीजीएस में क्या हो जाएगा हमारा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये से ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, ये बचा कितना 1360 मतलब 13.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मरकरी का डेंसिटी हमारी एमकेएस में कितनी होगी, 13600 kg पर मीटर क्यूब, और जो हमारी सीजीएस में होगी, ये हमारे सीजीएस में कितनी आ गई, 13.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हमारा यूनिट कन्वर्जन भी हो गया, और हमने जो है डेंसिटी के बारे में, यहाँ पे हमने घनत्व के बारे में पढ़ा आज। नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट है हमारा स्पेसिफिक वेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वेट। आपेक्षिक भार, आपेक्षिक भार, या इसको हम दूसरा नाम क्या था, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में फर्क क्या है, मास डेंसिटी में हमारा अनुपात किसका होता था, मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। लेकिन जब हम वेट डेंसिटी की बात करेंगे तो हम मास की जगह यहाँ पर हम क्या लेंगे, वेट लेंगे, मतलब वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज, इसका जो सिंबल होगा रिप्रेजेंट करने का, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डब्ल्यू। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड, तो मास डेंसिटी और ये जो है हमारा वेट डेंसिटी जिसको स्पेसिफिक वेट बोल रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है, वहां हमारा जब खाली मास डेंसिटी की बात करें तो वहां क्या आ रहा था, मास ऑफ फ्लूइड, लेकिन यहां क्या आ जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड की जगह हमारा वेट डेंसिटी में वेट ऑफ फ्लूइड, और नीचे आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड।
तो ये हमारा वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में डिफरेंस है। मास डेंसिटी में हम मास लेंगे फ्लूड का, और वेट डेंसिटी में हम क्या लेंगे, फ्लूड का वेट लेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसको, हम कैपिटल डब्ल्यू से दिखाएंगे वेट को और वॉल्यूम स्मॉल वी से। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी हो गया हमारा। इसकी यूनिट की बात करें तो इसका जो हमारा यूनिट होगा, अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई में हमारा इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें जो है वेट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है हमारा न्यूटन, और न्यूटन को दिखाते हैं एन से, और वॉल्यूम का क्या होता है हमारा मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है हमारा इसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेट डेंसिटी हो गया। अब नेक्स्ट आता है इसमें रिलेशन बिटवीन क्या हो गया हमारा मास डेंसिटी एंड वेट डेंसिटी। मास डेंसिटी को हम किससे दिखा रहे थे, रो से, और वेट डेंसिटी जो अभी हमने पढ़ाई है स्पेसिफिक वेट, इसको हम दिखा रहे हैं स्मॉल डब्ल्यू से। इसके मध्य संबंध, रो और W के मध्य संबंध, क्या संबंध होता है इसमें वो हम देखते हैं क्या होगा संबंध। शुरुआत हमारा जो है स्पेसिफिक वेट का, मतलब वेट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू कैपिटल W अपॉन B। कैपिटल W क्या है हमारा, फ्लूड का वेट, और वेट क्या होता है हमारा, M इंटू जी, वेट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, एम हो गया मास और जी हो गया हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया ये। वी हमारा क्या हो गया, आयतन हो गया, वॉल्यूम। तो आप यहां देखें हम डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी अपॉन वी, तो एम अपॉन वी क्या हो जाएगा हमारा, एम क्या है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा था क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा डेंसिटी, जिसे हम किससे दिखाते हैं, रो इंटू जी। तो ये हमारा क्या हो गया, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी का जो है हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया। यहाँ स्मॉल डब्ल्यू हमारा क्या है, वेट डेंसिटी है, और रो क्या है हमारा, मास डेंसिटी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक मास हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, और हमने जो है पढ़ा मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी में हमारे क्या रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखेंगे हम, W इज इक्वल टू रो जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम। हिंदी में बोलते हैं इसको आपेक्षिक आयतन। डेफिनेशन होगी इसकी, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूड। मतलब क्या हो गया ये हमारा, ये भी एक अनुपात होगा, किसका अनुपात होगा, द्रव के या तरल के आयतन और तरल के भार के। ठीक है, तो या दूसरे तरीके से इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम It is defined as a volume
ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाय ए यूनिट मास और वॉल्यूम पर यूनिट मास। इसका सिंबल होता है हमारा स्मॉल वी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल वी इज इक्वल टू क्या, किसका रेशियो है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो कैपिटल वी हो गया हमारा वॉल्यूम, मास ऑफ फ्लूइड मतलब कैपिटल एम हमारा क्या हो गया, मास हो गया। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा एम गैस में, वॉल्यूम का यूनिट होता है हमारा मीटर क्यूब और मास का यूनिट क्या होता है केजी। तो यहाँ से हम एक चीज दिखाई दे रही है कि एक किसका रेसिप्रोकल हमें जो है ये दिखाई दे रहा है, ये है हमारा डेंसिटी का। अगर मैं वॉल्यूम को नीचे ले जाता हूँ एम अपॉन वी, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है हमारा डेंसिटी। तो इसका मतलब डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, रो से, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा किसका, डेंसिटी का रेसिप्रोकल होगा हमारा। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होती थी, केजी पर मीटर क्यूब, तो इसके क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी। तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। सीजीएस में अगर हम यूनिट निकालें इसकी तो क्या हो जाएगी हमारी, सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम, ये हमारा सीजीएस यूनिट हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपेक्षिक गुरुत्व। ये भी हमारा क्या होता है, रेशियो होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन मास डेंसिटी टू दैट ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये भी एक रेशियो होगा हमारा, क्या होगा, जिस फ्लूड का हम क्या कर रहे हैं, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूड, जिस फ्लूड का हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं उस फ्लूड का मास डेंसिटी और प्योर वाटर के मास डेंसिटी का जो रेशियो होगा, मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, रो से, तो क्या हो जाएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एस से, तो कैपिटल एस का फॉर्मूला क्या हो गया, मास डेंसिटी ऑफ फ्लूड अपॉन मास डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मास डेंसिटी का सिंबल क्या था, डेंसिटी का सिंबल था हमारा रो, रो किसी भी लिक्विड का जो है हमारा डेंसिटी हो जाएगी, वो लिक्विड हमें दिया होगा जिसका हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है, और मास डेंसिटी ऑफ वाटर, मास वाटर की मास डेंसिटी को किससे दिखाते हैं, रो डब्ल्यू से, तो एस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन रो डब्ल्यू, मतलब जिस लिक्विड की हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसका डेंसिटी का और वाटर की डेंसिटी का रेशियो हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरीके से क्या हो गया, पानी के सापेक्ष हमें जो है किसी भी फ्लूड का जो है क्या बताएगा, कितना गुना भारी है, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगा। जैसे मरकरी, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, अगर हम देखें, जैसे मुझे मरकरी का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है पारे की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या है हमारा मरकरी है, तो मरकरी में आ जाएगा रो एच जी अपॉन रो डब्ल्यू। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13,600 kg पर मीटर क्यूब एम के एस में, और वाटर की कितनी होती है, 1,000 kg पर मीटर क्यूब, तो इससे अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13.6।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी, 13.6 होगी, या हम कह सकते हैं कि मरकरी हमारे पानी की तुलना में कितना गुना भारी होगी, 13.6। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बताता है, पानी के रेफरेंस में कि कोई भी फ्लूड हमारा कितना गुना भारी है वो हमारा क्या बताएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को बताएगा। तो आज हमारी ये चार प्रॉपर्टीज़ को आज हमने जो है कंप्लीट किया, बाकी प्रॉपर्टीज़ को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय।